Hello students, in today's video lecture we will study about resonance. So resonance kya hota hamare paas? Resonance kya hai bache? It is not possible to explain satisfactorily all the observed properties of a carbon compound by single level structure. Hum ye possible nahi hai ki hum kisi bhi कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को जो है एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पाएँ. सच अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. तो ऐसे कंपाउंड्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से, ईच ऑफ विच सेपरेटली अकाउंट्स फॉर मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़. तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है प्रॉपर्टीज़ को जो है अकाउंट करते हैं, राइट. दैट स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बट नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बेंजीन एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स. जैसे बेंजीन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंजीन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, ये जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ये पोजीशन फिक्स नहीं है. ये पाई बॉन्ड जो है ये ऑल ओवर द बेंजीन रिंग में जो है मूव करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है. तो ईच ऑफ दी स्ट्रक्चर हैज़ थ्री कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दैट इज़ दे हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, राइट. दो टाइप के बॉन्ड्स हैं. बट इट हैज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये आइडेंटिकल हैं, राइट, एंड हैव सेम बॉन्ड लेंथ, दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम, राइट. दस एक्चुअली नाइदर ऑफ द एबो टू स्ट्रक्चर्स इज़ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन. ये दोनों जो एबो स्ट्रक्चर्स हैं ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है बेंजीन का, राइट. These are hypothetical structures. It was therefore conceived that the true structure of the compound is an intermediate between the two or more structures. तो जो true structure होता है वो intermediate होता है. ये जो हमारे पास two or more than two structures हम जो draw करते हैं hypothetically, इनके बीच में जो एक intermediate structure जो है बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, राइट. दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिपिक्टेड, जिसको एग्जैक्टली जो है डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ये कुछ जो है इंट्रोडक्शन है रेजोनेंस के बारे में, कि हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो हैं किसी सिंगल स्ट्रक्चर से ड्रा नहीं कर सकते, बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ते हैं टू अकाउंट फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज़ बट नॉट ऑल मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन विच हैज़ द टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स but these are not the correct representation, right. There exist an intermediate structure between these two or more compounds which are responsible for the properties, right. This data we have to remember that in benzene all the bond lengths, carbon carbon bond lengths are identical, and this data is found to be 1.39 angstrom, right. to aap dekhiye hum jo hai resonance jo hamare paas hai hum iske definition पे बात करते हैं कि रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या होता है. इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिनन इन विच टू आर मोर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स कैन बी रिटन फॉर अ पार्टिकुलर कंपाउंड. जब किसी पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए हम जो है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रहे हैं लेकिन उनकी पोजिशन क्या रह रही है, एटम्स की आइडेंटिकल रह रही हैं, तो एन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज़ हाइब्रिड ऑफ ऑल दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. और जितने भी हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा किए तो हमारे पास वहाँ पे एक एक्चुअल स्ट्रक्चर उनका कॉम्बिनेशन में आ जाता है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं. तो रेजोनेंस के अंदर सिंपली क्या होता है कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका शिफ्टिंग होता है विद इन द कंपाउंड, राइट. तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, द वेरियस स्ट्रक्चर्स रिटन फॉर अ पार्टिकुलर कंपाउंड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, राइट, और उन्हें हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. सबसे पहले अब कंडीशंस क्या हैं रेजोनेंस के लिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस.
तो सबसे पहली कंडीशन जो रेजोनेंस के लिए है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफर करना चाहिए, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। सेकंड क्या है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और हमारे पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन होगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बनने में, राइट, और उतना ज़्यादा जो है स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं मेक लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हाइब्रिड एज कम्पेयर टू अनचार्ज स्ट्रक्चर, राइट। रेजोनेंस आकर इन दोज कंपाउंड्स विच हैव पाई पाई कंजुगेशन, राइट, जिनके अंदर क्या होगा हमारे पास पाई पाई कंजुगेशन प्रेजेंट होगी, राइट। हमारे पास कंजुगेशन जो है इस तरीके से भी हो सकती है कि पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, फिर से पाई बॉन्ड हो, हमारे पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, फिर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, राइट, या हमारे पास कंजुगेशन इस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, फिर लोन पेयर हो, राइट, या नेगेटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद हमारे पास लोन पेयर हो। दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, राइट। और जब ये रेजोनेंस शो करना है किसी कंपाउंड में तो ऑक्टेट रूल जो हमारे पास है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वायलेट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट जो है कंप्लीट रहना चाहिए, राइट। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्रा किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर शो किए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर शो किए हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ से इधर आ जाएगा, राइट, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा, तो जिसके कारण जो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना जो है लोन पेयर यहाँ से यहाँ दिया है, शिफ्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये कोई भी जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ये फर्स्ट वन है, ना इधर फर्स्ट वन, ना इधर सेकेंड वन, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, कि डबल बॉन्ड का पोजिशन फिक्स नहीं है कि ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसलिए जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रा किया। और पार्शल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, पार्शल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, राइट, तो ये इस तरीके से शो करना है, राइट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इस तरीके से शो करना है हमने। अब देखिए, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये है यहाँ पे, और दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ये है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियल स्ट्रक्चर, राइट, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। इसका जो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरह का बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, कि जो ये डबल बॉन्ड्स का पोजीशन है ये फिक्स नहीं है, राइट। तो अब आ जाता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। इन केस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम जिनमें अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ड्यू टू रेजोनेंस। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेंटर्स ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर क्रिएटेड विद इन अ मॉलिक्यूल। तो ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम टू अदर क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये दो तरह का होता है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, जिस तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स पढ़े थे। तो हमारे पास जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, ग्रुप्स विच विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड आर फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम आर सेड टू हैव माइनस आर आर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे और वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करें डबल बॉन्ड से या कंजुगेटेड सिस्टम से, तो हम कहेंगे वो ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्डिहाइड का ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, राइट, ये अल्कोक्सी है, राइट, ये हमारे पास सी ओ आर अल्काइल कार्बोनेट, राइट, सी एन ग्रुप हमारे पास हो गया, नाइट्रो ग्रुप हमारे पास हो गया, राइट, यहाँ पे ये डिपेंड करेगा आर हमारे पास क्या है, सी एच थ्री सी टू एच फाइव जो भी है, राइट।
तो अल्काइल OH हमारे पास इस तरह के ये कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब जैसे देखिए एग्जांपल है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड हो। अब देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस पॉसिबल है, ये बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये CHO जो था इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन विड्रा हुए, राइट। इस तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे ये नाइट्रोजन है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा। इसको एक्राइल और न्यूट्राइल पढ़ते हैं इस कंपाउंड को। तो इसके कारण जो है इसके रेजोनेंस जो है इस तरह का बनेगा, इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव R इफेक्ट हो गया। प्लस R इफेक्ट में क्या है कि जब ग्रुप डोनेट करे इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम को, वो काज करेगा प्लस R इफेक्ट। जैसे इसमें क्या क्या ग्रुप्स आते हैं, जैसे OH ग्रुप आता है, OR आता है, NH2, NHR, X, ऐसे ऐसे ग्रुप जो है ये क्या शो करते हैं, प्लस R इफेक्ट शो करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH फिनॉल का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये यहाँ से लोन पैर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्लोरीन है, ये लोन पैर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह का ये जो है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, राइट। और इसे हम कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस क्लोरीन ने डोनेट किए, तो यहाँ पे प्लस R इफेक्ट है, राइट। अब हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी। देखिए रेजोनेंस एनर्जी में क्या है कि द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जीज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेबल स्ट्रक्चर एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज़ नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। हमारे पास क्या होता है कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसकी इंटरनल एनर्जी और जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, राइट। एक तो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और हमने जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं उसमें जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो उनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन इज़ 150.0 किलो जोल पर मोल जो है ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है वैल्यू। दैट्स एनर्जी ऑफ हाइब्रिड इज़ लेस बाई 150.0 किलो जोल पर मोल देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो हमारा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी का, 150 किलो जोल पर मोल, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं आज। ओके, थैंक यू।